हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा तेल बनाना बताऊंगी जिस तेल को फ्रेंड्स आप अपने बालों में लगाकर आप अपने बालों को दुगनी तेजी से एक ही बार में घना कर सकते हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसे लगाने से आपकी बालों की जड़ें भी तेजी से मजबूत हो जाएंगी। फ्रेंड्स, इससे पहले आज तक मैं आपको जो भी रेमेडीज बताती थी वो फ्रेंड्स आप अपने बालों में वॉश करने से पहले अपने बालों में यूज़ करते थे, और फ्रेंड्स उसके बाद आप अपने बालों में कोई भी तेल जो है यूज़ कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो रेमेडीज़ बताऊंगी इससे फ्रेंड्स आप अपने घर पर ही एक ऐसा तेल बना सकते हैं जिसे आप अपने बालों में लगाने के बाद आपके बालों की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगेगी और आपके बालों की जड़ें भी मजबूत हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडीज़ के बनाने के लिए आपको यहाँ पर लेना है फ्रेंड्स एलोवेरा जेल। आप फ्रेंड्स एलोवेरा जेल जो फ्रेश ले सकते हैं, और फ्रेंड्स इसमें मार्केट से यूज़ होने वाला एलोवेरा जेल आप जो है यूज़ नहीं कर सकते। आपको फ्रेंड्स प्लांट से फ्रेश एलोवेरा जेल जो है यूज़ करना है। इसे यूज़ करने की के लिए फ्रेंड्स पहले आप फ्रेंड्स इसके साइड से दोनों साइड से कांटे निकाल लीजिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसके कांटे निकाल लीजिएगा। दोनों तरफ से फ्रेंड्स कांटों को निकाल लेने के बाद आपको फ्रेंड्स इसे बारीक पीसेस में काट लेना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसके बारीक जो है पीस कर लीजिएगा। बारीक पीसेस में काटने के बाद फ्रेंड्स आपको लेना है एक क्लीन बाउल। इस तरह से फ्रेंड्स आप एक क्लीन बाउल लीजिएगा और इसमें आप इन पीसेस को ऐड कर लीजिएगा। सभी एलोवेरा जेल के पीसेस को ऐड करने के बाद आपको फ्रेंड्स इसे कूटने की सहायता से इस तरह से हल्के हाथों से थोड़ा सा कूट लेना होगा ताकि फ्रेंड्स इसका जो जेल है वो निकल जाए। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको कूटेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जेल जो है कैसे निकल रहा है। फ्रेंड्स, आपको इसको ज़्यादा ना कूटते हुए हल्की मात्रा में ही कूटना है और इसका कम मात्रा में ही इसका जो है अंदर से जेल को निकालना है। इस तरह से फ्रेंड्स जेल निकाल लेने के बाद आपको फ्रेंड्स एक कंटेनर लेना है और इस कंटेनर में फ्रेंड्स इसे ऐड कर देना होगा। आपको फ्रेंड्स इससे पूरे एलोवेरा जेल को छिलके समेत इसमें डाल लेना होगा। एलोवेरा जेल को फ्रेंड्स डाल लेने के बाद आपको फ्रेंड्स इसमें डालना होगा नारियल का तेल। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं डाबर का कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेंड्स इस नारियल तेल की जगह इसमें सरसों का तेल, बादाम का तेल, जैस्मिन तेल, कोई भी तेल फ्रेंड्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें इस तरह से फ्रेंड्स आप इसमें नारियल का तेल जो है ऐड कर लीजिएगा। आप फ्रेंड्स इतनी क्वांटिटी में इसमें जो है नारियल का तेल ऐड कर लीजिएगा और फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स आप इसे ढक्कन लगाकर बंद करके रख दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप इस तेल को अपने बालों में लगाइएगा और अपने बालों की जड़ों को अच्छे से मसाज दीजिएगा, और इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पूरे बालों में लगा लीजिएगा। ये फ्रेंड्स आपकी बालों की ग्रोथ को इतनी तेज़ी से बढ़ाएगा कि एक ही बार में आप देखेंगे कि आपके बाल कैसे झड़ना बंद हो गए हैं और आपके बालों को कैसे मजबूती आ गई, आपके बालों में कैसे चमक आ गई है। और फ्रेंड्स साथ ही साथ अगर आपके बालों में रूसी की प्रॉब्लम है या फिर फ्रेंड्स आपके बाल तेज़ी से झड़ते हैं या फिर आपके बाल सफ़ेद हैं, दो मुए हैं, तो फ्रेंड्स इस तेल को अपने बालों में एक बार लगाते ही आपके इन सभी प्रॉब्लम्स जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और फ्रेंड्स इस तेल को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसे यूज़ करने से पहले इसे यानी कि इसे बनाने के बाद आपको 7 डेज के बाद ही इसे अपने बालों में यूज़ करना है, क्योंकि फ्रेंड्स एलोवेरा जेल के जो प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स हैं वो सभी इस तेल में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और 7 डेज के बाद आपका ये तेल जो एकदम बढ़िया और परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा, जो आपके बालों के लिए एकदम बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी रेमेडीज। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और जाते जाते फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।